सो हेलो दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग VLC मीडिया प्लेयर से किसी भी प्लेलिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 8-10 गानों या वीडियो का प्लेलिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपना VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, नहीं तो आप लोग Ctrl+L भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा एक लेआउट ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ब्राउज कीजिए जो फाइल्स को आप लोग को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से मैं 8-10 फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके आप लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ओपन कर दीजिए। देखिए ये सब हमारा प्लेलिस्ट में आ गया। फिर बाद में कोई दूसरा फोल्डर में है कोई फाइल, उसको भी आप लोग एक ही प्लेलिस्ट में लाना चाहते हैं तो फिर से राइट क्लिक कीजिए, ऐड फाइल कीजिए और कोई दूसरे फोल्डर के भी फाइल्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ओपन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हमारा एक प्लेलिस्ट तैयार हो गया है। अब इसको सेव कैसे करना है, आपको Ctrl+A से पूरे को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ सेव प्लेलिस्ट टू फाइल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप जाइए और आपको इस प्लेलिस्ट को जहाँ सेव करना है वहाँ सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग इसको नाम दे दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो देखिए ये प्लेलिस्ट हमारा बन गया है। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। देखिए ये माई प्लेलिस्ट नाम का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया था वो बन गया है। देखिए हमारा सभी म्यूजिक का प्लेलिस्ट बन गया। यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप लोग VLC मीडिया प्लेयर में किसी भी प्लेलिस्ट को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।